देखिए एक दीपला पोस्ट है सेड़वा थाना का, उसमें करती है ये बॉर्डर पे 115 बटालियन वहाँ डिप्लॉयड है। उस पोस्ट पे अंदरूनी मामला था इनका ड्यूटी को लेकर के, तो एक जो आहत था कांस्टेबल, उसने क्या किया, उसकी ड्यूटी बार बार किसी एक पर्टिकुलर जगह लग रही थी, इस वजह से उसने अपना जो अनॉइंस है वो जाहिर किया और फिर वो गुस्से में आकर के उसने राइफल लेकर के जो ड्यूटी लगाने वाला बाबू है पुरुषोत्तम और एक जो हेड कांस्टेबल है प्रकाश, उन दोनों के ऊपर फायर किया। तो एक ही गोली उन दोनों के पाँव में लगी। सेकंड फायर होने से पहले उसको काबू करके हथियार छीन लिया गया। यहाँ हमने अभी बयान लिए हैं हॉस्पिटल में, दोनों स्थिति जो है हालत खतरे से बाहर बताई जाती है और बयानों के आधार पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। सर जो बताया जा रहा है कि उसने क्या जो राइफल थी वो उसके पास थी नहीं, उसने छीन के फायर किया था। वो जो बाबू था राइफल, सभी जो राइफल मैन हैं वहाँ जितने भी डिप्लॉयड हैं सबके पास अपने अपने हथियार होते हैं, उसने जो इस्तेमाल किया इसके अंदर फायर करने में वो राइफल जो थी वो बाबू की थी जो ड्यूटी लगाता था, उसके पास पड़ी थी, उसे लेकर के उसने छीन कर। आरोपी को पुलिस कस्टडी में लिया गया? हाँ, आरोपी को अभी BSF के अंडर में ही है, अभी ले लिया जाएगा, पहले प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। वैसे मौके पर एडिशनल SP साहब भी पहुँच गए हैं, SHO भी पहुँच गए, पर्चा बयान ले लिया। देखिए BSF की जो घटना हुई उसमें अभी तक तो यही बात सामने आई कि कल रात 10 बजे का मामला था, हमें सुबह रिपोर्ट दी गई BSF द्वारा, और उसमें यही बात आई है कि ये जो कांस्टेबल था ये अपनी ड्यूटियों को लेके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि इसकी ड्यूटी बार बार लग रही है, और इसने जब इसको पता चला कि कल इसकी ड्यूटी फिर लगी है तो इसके पास इसने एक इंसास राइफल ली और उससे कुछ इसने इनके आपस में कोई छीना झपटी में दो गोलियाँ फायर हुई, तो एक गोली से तो दो जन घायल हुए एक ही गोली से, और दूसरी गोली एक्सीडेंटल फायर हुई और वो छत पे लगी। हमने इसमें जो दोनों ही घायल हुए वो खतरे से बाहर हैं, उनका बाड़मेर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और जो ये जवान था जिसने गोली चलाई वो BSF की कस्टडी में है, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैम ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त राइफल को छीन कर इसमें फायर किया था, ऐसा कुछ भी अभी तक बात है? देखिए डिटेल तो अभी तक जो पर्चा बयान में है वो डिटेल जो मुझे थोड़ी बहुत जो अभी जानकारी हुई है वो यही है कि इसने जहाँ इसकी ड्यूटी लगती है वहाँ से वो राइफल ली और फिर ये वहाँ से ले जाकर जहाँ इसके जो अधिकारी बैठे थे उनके पास गया, और पीछे से जब ये लोग इसके पीछे पीछे आए तो इन्होंने इसने कॉक करके एक गोली चलाई और फिर इसको काबू में ले लिया गया था, लेकिन मैगजीन भी हटा दी गई थी, लेकिन एक चैम्बर में रह गई थी गोली, वो एक्सीडेंटल फायर होकर छत पे फिर